डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के टोटल एट्टी क्वेश्चंस है ये एग्जाम लिया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इन टू थाउजेंड एटीन में फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट और इसके जो पहले सिक्सटी क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवा के उनकी वीडियो अपलोड कर दी थी तीन वीडियोस आ रखी हैं आप चैनल विजिट करके देख सकते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नेम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आप उस पे देख सकते हो आज हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके इस क्वेश्चन पेपर को खत्म करते हैं तो इसके अंदर पूछा हुआ था सिक्सटी के अंदर पोली कंडेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिल एसिड एंड डाई अमेन विल गिवे तो डाई एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो यहाँ पर क्या होता है अगर ऐसे केस में ये कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और डाई है तो इसके अंदर जो अमीन पार्ट होता है to, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाता है वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें ऐसे करके जो लिंकेज होगी ठीक है ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर अमाइड Amide. अमाइड्स मिलेंगे और इधर भी हमारे पास सीओ

इसके अंदर तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था इस क्वेश्चन का वो है बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पीसीटीएफई पीसीटीएफई मीनिंग पॉलीक्लोरोट्राइफ्लोरोएथिलीन ओके अगर पॉलीक्लोरोट्राइफ्लोरोएथिलीन बन रहा है तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल तो क्लोरो ट्राईफ्लोरोएथिलीन ही होगा ना तो इसका जो स्टार्टिंग

वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है वो हमने निकालने है, अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होंगे थ्री एन माइनस फाइव एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है इसमें तीन तो एन की वैल्यू रहेगी तीन यहाँ पे तो कितने आ जाते हैं वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर ओके बट हमें क्या पूछा हुआ है नंबर ऑफ आयर

है, हो रही है, बट वो आई आर क्या होगा इसके केस में Inactive. तो हमने आई आर एक्टिव बताने हैं तो टोटल क्या है हमारे है, हमारे पास पास तीन है, जो जो से दो vibration mode आ रहे हैं, बेंडिंग मोड वो दोनों ही equivalent है, तो उनको हम एक कंसिडर करेंगे तो इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल एक्टिव है जो वाइब्रेशन नॉर्मल मॉड CO2 टू मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या है दो आएंगे तो इसका करेक्ट आंसर है सी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनॉल ओके तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा इथेनॉल का अगर होता है CH3CH2OH तो इसका कॉन्जुगेट बेस देखो क्या आएगा H पॉजिटिव रिलीज होगा CH3CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव तो ये रहेगा इसका कॉन्जुगेट बेस तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी ओके okay, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क दैट अ सिस्टम कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट प्रेशर ओके तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है यही हमें देता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क ओके जो हम सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक क्लोज्ड सिस्टम हम एक्सटेक्ट कर सकते हैं नॉन पीवी वर्क तो वो हमें डेल्टा जी ही मिलता है तो अगर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है गिब्स एनर्जी यही डिटरमाइन करता है हमें डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो इसी से ही हमें मिलता है नॉन पीवी वर्क तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ डी will will be be twice of a but will be the equilibrium constant of a reaction okay to तो इसके अंदर देखो क्या है कोई agar अगर दे रखी है क्या हमें बोला हुआ equilibrium position के अंदर है और उसमें कहते हैं कि अगर जो D है जो हमारे पास product D बनता है उसकी अगर concentration है वो a की twice कर दी जाए तो हमारे पास जो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट आएगा वो कैसे है क्या, क्या होगा ओके okay? तो इसलिए हम करके देखते हैं जैसे देखो क्या है ये कोई इक्म पे रिएक्शन दे रखी है अगर हमारे पास इनिशियल स्टेज है तो ये क्या है इनकी कंसेंट्रेशन इनिशियल पे रहेगी जीरो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम क्या होगा यहाँ पर क्या होगा इनका कुछ पार्ट ब्रेक होगा हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो क्या है सी और डी की और उनकी कंसेंट्रेशन रहेगी वाई ओके okay? और इनसे जो पार्ट गया है वो क्या है वाई तो इनकी कंसेंट्रेशन रिमेनिंग कितनी रह जाती है आफ्टर आफ्टर सम टाइम ये इनिशियल टाइम था ये क्या है आफ्टर सम टाइम ओके तो ए एंड बी की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी एक्स माइनस वाई ओके एंड सी एंड डी की क्या रहेगी वाई इसके बाद देखो हमें क्या कंडीशन दे रखी है एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए तो डी की कंसेंट्रेशन है वो क्या रहेगी ए की कंसेंट्रेशन के ट्वाइस रहेगी तो डी की कंसेंट्रेशन क्या है हमारे पास वाई ट्वाइस ऑफ ए की कंसेंट्रेशन क्या है एक्स माइनस वाई इस जो इक्वेशन है इसको आप करके देख लो से की वैल्यू कितनी आती है ओके okay, ये रिलेशन है इन दोनों में okay, D AB. इसके बाद देखो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेशो होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनकी स्ट्राइशोमेट्रिक पावर भी होती है इसके साथ अब देखो सी और डी है जो इनकी कंसेंट्रेशन क्या है हमारे पास वाई एंड वाई तो यहाँ पर क्या आ जाता है A और बी की कंसेंट्रेशन क्या है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसको अब सॉल्व कर लो आ गया हमारे पास वाई स्क् और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल तो आप आपने कुछ नहीं करना ये वाली जो y की वैल्यू आई है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर फिल कर देनी है तो y की वैल्यू क्या थी टू एक्स ओवर थ्री स्क्वायर ओवर x- माइनस वाई की वैल्यू यहां भी फिल कर दो टू एक्स ओवर थ्री और इस इक्वेशन को आप बस सॉल्व कर लो टू एक्स ओवर थ्री इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 ओवर 1 तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आना है वो आएगा डी जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस कंडीशन के ऊपर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा 4 उसकी वैल्यू नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है 67th क्वेश्चन के अंदर बियर लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट अब्सॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ये स्टेटमेंट करेक्ट है

मोलर अब्जॉर्प्टिविटी होता है इसको आप और क्या बोलते हो एक्सटिंग और सी क्या होती है कंसेंट्रेशन सोल्यूशन की और एल क्या होता है लेंथ जिसके थ्रू लाइट पास करती है तो हमारे जो ऑब्जॉर्बेंस है एक होती है हमारी ऑब्जॉर्बेंस तो ऑब्जॉर्बेंस क्या है कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यही वाली करेक्ट है तो इसका ए आंसर आना था ये ऑप्शन करेक्ट था इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था मॉलिक्यूल्स दैट विल एग्जिबिट हायर हाईएस्ट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमें पहले ऑप्शन के अंदर देखो ये क्या दे रखा है कीटोन दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है कीटोन इसकी स्ट्रक्चर बना लो क्या आएगी ये है हमारा ए ऑप्शन बी ऑप्शन जो है उस वो क्या हमें दे रखा है एसिड एसिड है ये वाला हमारा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड एच, ये बी ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है हमारा उसके अंदर क्या दे रखा है हमें एल डी हाइट और फोर्थ वाला जो है उसके अंदर क्या ये सी ऑप्शन है डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है एस्टर हमने क्या बताना है जिसमें हाईएस्ट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी तो हाईएस्ट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी तभी होगी अगर कार्बोनिल के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ओके जो उससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है अगर कोई रिलीजिंग लगा हुआ है उसके साथ तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड करेक्टर है उसको कम कर देगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी तो अब अगर हम देखते हैं इसके केस में सबसे पहले अगर ए ऑप्शन देखो कार्बोनिल के साइड पे दोनों ही साइड पे क्या लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप्स और इनका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करेंगे इस कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो जो ए ऑप्शन है हमारा कीटोन वो तो इनकरेक्ट है ओके अब हम बात करते हैं इसमें देख लो आप डी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है एस्टर और एस्टर का ये जो दे रखा है मिथॉक्सी ग्रुप ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यहाँ से ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो सकता है सिंगल बॉन्ड में तो यहाँ से भी इसकी जो स्ट्रेचिंग वो कम ही रहेगी तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है इनकरेक्ट अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं एक बचता है एसिड एक बचता है एल्डिहाइड तो अगर हम एसिड एसिड की बात करते हैं बच्चे के अंदर क्या होता है एसिड अक्सर ही आपको डाइमर फॉर्म में मिलते हैं ओके और उनके अंदर क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एच है वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके एसिडिक जो ऑक्सीजन है उसकी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो इसलिए क्या होता है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे एसिड की ऑक्सीजन के साथ शो करता है ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो आराम से इधर कंजुगेशन में जा सकता है तो जिसकी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनकी भी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की वो कम ही रहती है तो अगर हम इन दो ऑप्शन को कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो रहती है सेवनटीन सेंटीमीटर इसके अंदर, के अंदर। साथ में क्या लगा हुआ है एक साइड तो आर ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई डोनेट करता है बट इसके साथ एक साइड पे एच ग्रुप लगा हुआ है एच लगा हुआ है ना तो इसलिए अगर हम इन चारों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं तो उनमें से इस कार्बोनिल स्ट्रेचिंग इस कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वो बाकी कार्बोनिल्स के कंपेयर में बाकी केसेस के कंपेयर में ज्यादा रहेगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड लगा है आर ग्रुप और वो भी प्लस आई ही शो कर सकता है दैट्स इट तो इसलिए अगर ये इस एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करते हैं एसिड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रही है सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर और जो एल्डिहाइड है उनकी रहती है सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अप्रॉक्स सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के ऊपर तो हमने हाइएस्ट कार्बोन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बतानी थी तो बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है जो करेक्ट ऑप्शन था इसके अंदर वो था सी तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट विल नॉट इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो अगर पहले की बात करते हैं तो क्या दे रखा है यूजिंग अ रिएक्टेंट इन एक्सेस तो इस अगर आप रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हो ना तो आपकी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो यील्ड इंक्रीज करती है तो इसलिए इसके केस में तो यील्ड अफेक्ट होती है तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं क्योंकि हमने वो बताना जिसमें विल नॉट इंक्रीज जिसमें यील्ड इंक्रीज नहीं होती है

यील्ड तो इंक्रीज करेगी क्योंकि रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक डी सी ऑप्शन है क्या दे रखा है इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ रिएक्शन तो अगर रिएक्शन का स्केल इंक्रीज कर देते हो स्केल अप कर देते हो रिएक्शन में तो उसमें इक्विलिब्रियम या यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है इस चारों के अंदर वो रहेगा सी सी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट सेवेंटी क्वेश्चन है जो उसके अंदर क्या दे रखा है ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस लिस्टेड बिलो कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन द द व्हिच इज़ रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन अ मास परसेंटेज तो हमने वो सोर्स बताना है जिसमें नाइट्रोजन का मास परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है तो अगर हम यूरिया के अंदर बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का मास परसेंटेज रहता है 46.67 परसेंट अमोनियम नाइट्रेट के अंदर रहेगा थर्टी गौन, के अंदर रहेगा और एट्टी टू पॉइंट थर्टी फाइव परसेंट और सबसे हमें क्या पूछा है रिचेस्ट सोर्स तो सबसे ज्यादा में है अमोनिया में तो सबसे जो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है अ अट्रेसोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन वट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन के जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कम्बस्टन विद वन के जी ऑफ हाइड्रोजन तो वन के जी ऑफ हाइड्रोजन गैस के अगर कंबस्टन करवानी है कम्प्लीटली तो कितनी ऑक्सीजन के जी में चाहिए हमें किलोग्राम में कितनी ऑक्सीजन चाहिए तो हमें हमें क्या इसके लिए स्टेशमेट रिएक्शन लेते हैं तो देखो क्या होता है अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो जो जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी ये उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाटर ओके तो हम क्या यूज करेंगे वी विल यूज स्टेश रिएक्शन तो सबसे पहले देखो क्या है हमें ये पता करना इसमें देखो इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके दो मोल रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के एक मोल के साथ मतलब हाइड्रोजन के मोल के कंपैरिजन ऑक्सीजन के हाफ मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमें उसके लिए हाइड्रोजन के मोल्स निकालने पड़ेंगे तो मोल्स निकालने के लिए वो क्या होता है मास ओवर मोलर मास मास मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स अगर हाइड्रोजन के निकाले हम तो हाइड्रोजन का मास कितना दे रखा है उसने वन के जी और मोलर मास कितना है H2 का वो कितना रहेगा टू ग्राम पर मोल और ऊपर के जी में दे रखा है किलोग्राम में तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन थाउजेंड ओके तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा फाइव हंड्रेड मोल तो क्लियर सी बात है बच्चे अगर फाइव हंड्रेड मोल यूज हो रहे हैं एच टू के ओके वन के जी अगर यूज करते हैं तो अगर फाइव हंड्रेड इसके हो रहे हैं तो ऑक्सीजन के तो हाफ ही हो रहे हैं ना अगर टू मोल हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं तो एक मोल ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो अगर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, 500 मोल ओवरऑल जो हाइड्रोजन यूज हो रही है तो ऑक्सीजन के कितने होंगे नंबर ऑफ मोल जो यूज हो रहे हैं वो होंगे हाफ ऑफ फाइव तो वो क्या आएगा टू मोल क्लियर है ये वाली बात इसके बाद देखो हमने क्या निकालना है कितनी अमाउंट यूज हो रही है ऑक्सीजन की तो हमने अब अमाउंट केजी में बतानी है तो नंबर ऑफ मोल तो हमें पता चल ही है तो इससे हम अमाउंट निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके कल है मास ओवर मोलर मास. मास, मास और मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का वो होता है थर्टी टू मास हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 250 इसको आप मल्टीप्लाई करो इधर और यहाँ से हमारा मास कितना आ जाता है 8000 ग्राम और उसने आंसर किस हमें केजी में तो केजी में आप इसको कन्वर्ट कर लो और यहाँ से आपका जो मास आ जाएगा ऑक्सीजन का जो यूज हुआ है वो क्या है एट किलोग्राम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा डी नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है इसके अंदर वट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है आपने सिंपल क्या करनी थी इसकी स्क्र करनी और इसका आंसर क्या आ जाएगा नाइन तो बी ऑप्शन जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा करेक्ट आंसर इसके बाद देखो क्या है बोला हुआ है फिजिकल चेंज इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू अब्सॉर्बेंस ऑफ अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द इनफ्रा रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर शेल ऑफ एन एटम ये भी ऑप्शन है एक्साइटेशन रिजल्टिंग इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ये करेक्ट ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होमो टू लोमो ये भी इन करेक्ट है चेंज इन द मैग्नेटिक स्पिन स्टेट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है देखो अगर कोई मॉलिक्यूल है वो ऑब्जॉर्व कर रहा है एनर्जी इंफ्रारेड रीजन के अंदर तो इन्फ्रारेड रीजन के अंदर जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है ना उसके अंदर ऐसा करने पे वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल होता है उसके सिर्फ वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके अंदर ही चेंज आता है इंफ्रारेड एनर्जी जो होती है इतनी ज्यादा नहीं होती कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हो सके ओके इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाए एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें एक्साइटेशन देखने को मिलती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है वो क्या है बी ओके बी आंसर आएगा इसका नेक्स्ट देखो 74 74 के अंदर क्या दे रखा है आपको क्या बोल रहे हैं वो कोज फोर्स फॉर्म मेनी ऑक्सो एसिड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग तो आपको डिफरेंट एसिड्स दे रखे हैं फास्फोरस के तो आपने उनके अंदर जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी एचपीओ3 थ्री टाइम्स इसकी स्ट्रक्चर ओके okay? तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसकी स्ट्रक्चर वैसे आपको देखने की नीड भी नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट ही देख लो इसके अंदर बट देख ही लो आप इसकी स्ट्रक्चर ना तो क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर ये वाली होती है

क्या है ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज रहेगा और तीन है हमारे पास हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के चार्ज चार्ज है और to, चार्ज है और ओवरऑल इक्वल टू जो इसके ऊपर वो रहेगा जीरो, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस फाइव ओके तो पहला जो है उसका है प्लस फाइव तो देख लो पहले वाला प्लस फाइव किस में है एक ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है एक डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है तो सी ऑप्शन और डी बी ऑप्शन तो गलत हो गए ओके और ए और डी में से देख रहे हैं अब देखो एच थ्री पीओ टू इसके अंदर देख लो तीन एच दे रखे हैं एक के ऊपर प्लस चार्ज चार्ज होता है फोस -फोस के ऊपर आएगा और दो ऑक्सीजन है तो माइनस फोर यहाँ से आ गया और यहाँ से आप निकाल लो कितना आ गया प्लस वन तो प्लस वन दे रखा है तो प्लस वन इसमें तो है नहीं डी बी इन करेक्ट इट मीन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इसका भी आप निकाल के देख लो वो भी क्या आ जाएगा थ्री Phosphorus का एक्स है तीन ऑक्सीजन है माइनस सिक्स यहाँ से आ जाएगा और X की वैल्यू आ जाएगी, प्लस थ्री तो फोर्स थ्री तो इसी तरह आप इसका निकाल लो कितना आ जाएगा? प्लस फाइव तो ए ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है फोर आवर इनिशियल मास है जो ए नॉट सबस्टांस का दे रखा है टू हंड्रेड ग्राम ए नॉट ले रही हूँ मैं इनिशियल मास और मास ऑफ अनडिकेड रिमेनिंग आफ्टर आवर्स तो डिके होने के बाद तो कोई एक्स अमाउंट डिके हुई इसमें से और रिमेनिंग जो बचा ए नॉट माइनस एक्स इसकी वैल्यू हमने निकालनी है कितनी आएगी और कितने टाइम के बाद निकालनी है ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद ओके तो हमारे पास जो टाइम है वो क्या है ट्वेंटी फोर आवर्स

2.30t, 3 upon t, log of a0 over a0 minus x. तो a0 minus x हमने a not की हमने वैल्यू निकाल ली है, a0 की वैल्यू हमें दे रखी है, t हमने उन्होंने दे रखा है 24 24R और के की वैल्यू हमने देख ली है कितनी है हमारे पास के की वैल्यू ये वाली यहाँ पे फिल कर लो तो आपका एक्सप्रेशन कुछ कुछ इस तरह का आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन फोर ये के वैल्यू रहेगी इज इक्वल टू टू पॉइंटी फोर आर और लॉग ए ओवर बी तो लॉग ए ओवर बी आप क्या होता है एक्सप्रेशन लॉग ए माइनस लॉग बी यही होता है ना तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो तो ये क्या आ गया लॉग ए नॉट ए नॉट की वैल्यू कितनी है इनिशियल मास टू हंड्रेड और माइनस लॉग ऑफ ए नॉट माइनस एक्स तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा इसको आप सॉल्व कर लो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस साइड ट्वेंटी फोर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री मल्टीप्लाई फोर ये सॉल्व कर लो माइनस आ जाएगा यहाँ से लॉग टू हंड्रेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए नॉट माइनस एक्स और यहां से वैल्यू लेनी है सॉल्व कर लेना आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा थ्री पॉइंट वन थ्री ग्राम और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा थ्री पॉइंट वन टू फाइव ये वाला जो नियर है हमारे ठीक है तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का इसके बाद क्या पूछा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी नंबर्स, फर्स्ट ट्वेंटी नेचुरल इस ये निकालने के लिए हमने क्या हम क्या यूज करेंगे तो हमारे तो पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास ट्वेंटी ए वन है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास फर्स्ट ट्वेंटी पूछी हुई है तो फर्स्ट टर्म कौन सी है वन और एन है जो लास्ट टर्म होती है लास्ट टर्म कौन सी है ट्वेंटी तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा टू टेन तो टू टेन आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर इसके बाद क्या पूछा हुआ है बेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है आपको वॉल्यूम निकालनी है कितना आसान क्वेश्चन पेपर है ये ना कितना आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं बेस एरिया दे रखा है आपको क्यूब का तो क्यूब का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड ओके एरिया आपको 25 दे रखा है यहाँ से आप जो साइड निकालोगे वो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड यही होता है ना तो यहाँ से आपने बस फिल करना है फाइव की क्यूब आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 125, ओके वन सेंटीमीटर क्यूब तो ये रहेगी वॉल्यूम डी ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म तो N2F2 जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसफॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है हमने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है नाइट्रोजन की दोनों के अंदर और किस स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट होता है वो बताना है तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो देखो डबल बॉन्ड बन रहा है सीधे दिख ही रहा है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है दोनों के अंदर ही एसपी टू ओके okay? अगर हम नहीं आने अब बनाना पता चल रहा है तो करके देख लो आप sp2 ही आएगी ना ये वाली तो तो sp2 है नाइट्रोजन का क्या होता है 2s2 2p3 ओके okay? यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक नाइट्रोजन है वो क्या कर रही है एक फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है एक नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है और यहाँ से रहेगी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये वाला जो पा, एक है इलेक्ट्रॉन पी ट्रांसफॉर्म के, के, तो रहेगी, रहेगी, तो के अंदर क्या है दोनों फो, जो फ्लोरीन है ओपोजित डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट वो कैंसिल आउट हो जाता है तो जो नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा ट्रांसफॉर्म का वो रहता है जीरो वही अगर सिस की बात करें तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहती है ट्रांस डाइपोल मोमेंट की 0.12 से लेके 0.16 ये डाइपोल मोमेंट रहता है इस रेंज के अंदर तो जो फॉर्म होती है उसका डाइपोल मोमेंट होता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रहेगी sp2 टू ए और बी ऑप्शन के अंदर दे रखी है और डाइपोल मोमेंट किसका होता है सेकंड का सिस फॉर्म का तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विक्स आर मेड अप मेड फ्रॉम अ कोपोलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड अक्राइलो तो उसको क्या बोलते हैं तो so, जो कोपॉलीमर बनता है विनाइल क्लोराइड और अक्राइलो से उस पॉलीमर का नाम होता है डायनर तो इसका डायनल जो है करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा इसमें इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ एन एक्वल सोल्यूशन कंटेनिंग जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर फेरिक्लोराइड एंड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मोलर एच सी एल ओ फोर ये वाला जो दे रखे हमारे पास इसकी सेम आइनिक स्ट्रेंथ है एक सोल्यूशन बना, बना रहे हैं इन दोनों को मिक्स करके और उस सोल्यूशन की जो आइनिक स्ट्रेंथ है बच्चे वो सेम है इन चारों में से किसी के साथ मैच करती वो बतानी है तो देखो सबसे पहले इसकी आइनिक स्ट्रेंथ लेट कर लो आई वन है इसकी आइनिक स्ट्रेंथ लेट कर लो आई टू है तो टोटल आइनिक स्ट्रेंथ पहले निकालो इस सोल्यूशन की कितनी है आई वन प्लस आई टू आइनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम आई जेड आई स्केर ओके सॉल्यूशन के साथ एम क्या रहेगी मोलारिटी ओके हाफ एम आई जेड आई स्क्वायर जेड आई क्या है चार्ज है तो अगर हम आ, मैं एक ही निकाल के बता देती हूँ अगर आपको नहीं निकालनी आती फेरिक क्लोराइड है जैसे किस में ब्रेक करेगा Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव तो इसकी मोलारिटी कितनी है 0.01 मोलर तो यहाँ पर इसकी क्या रहेगी मोलारिटी जीरो पॉइंट जीरो वन बोलो इसका स्टेशोमेट्रिक कोफिशियंट क्या आगे वन तो ये क्या रहेगा जीरो पॉइंट जीरो वन इसका क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन इसकी आगे क्या दे रखा है हमारे पास कोफिशंट थ्री तो इसकी एम की वैल्यू रहेगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो ये एम की वैल्यू यहाँ पे फिल करोगे आप ओके तो आई की वैल्यू निकालो इसके लिए आई वन निकाल रहे हैं हम वो क्या रहेगा हाफ एम आई एम आई अब इसका देखते हैं एम आई क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू जेड स्क चार्ज कितना है थ्री थ्री स्क प्लस एम आई अब दूसरे दूसरी कितनी है जीरो पॉइंट जीरो थ्री और चार्ज कितना है माइनस वन जेडा स्क्वेयर तो इसको आप सॉल्व कर लेना इसकी जो वैल्यू आएगी वो रहेगी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और यही इसी तरह आप इसको एक्सीएल ओ फोर का निकाल सकते हो और उसकी भी जो मोलैलिटी की वैल्यू रहेगी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो टोटल जीरो पॉइंट जीरो सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टोटल जो आई है जो वो रहेगा हमारे पास जीरो पॉइंट वन टू ओके तो ये वाला है जो सोल्यूशन टोटल जो बना उसकी आइनिक स्ट्रेंथ है जीरो पॉइंट वन टू हमने अब मैच करके देखनी इन चारों में से किसकी आयनिक स्ट्रेंथ जीरो हमारा तो जो करेक्ट आंसर रहेगा तो अगर आप एन को ब्रेक करते हो तो वो आएगा एन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में मैंने इनकी आयनिक स्ट्रेंथ निकाल रखी है आप इसकी करके देख लेना तो इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है वो आती है जीरो पॉइंट जीरो नाइन मूल इसके बाद अगर आप देखते हो एन ए टू एसओ फोर इसके अब ब्रेक कर लो वो रहेगा टू एन ए पॉजिटिव प्लस एस ओ फोर टू नेगेटिव क्लियर इसकी मलैरिटी निकालते हो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकालते हो वो रहेगी जीरो पॉइंट वन टू मोलर इसके बाद कॉपर सल्फेट है जो वो ब्रेक करेगा कॉपर टू पॉजिटिव प्लस सल्फेट टू नेगेटिव इसकी आप निकालोगे वो आएगी जीरो पॉइंट टू फोर मोलर और इसके बाद एच थ्री पीओ फोर इसकी आप निकालते हो तो ये ब्रेक करेगा थ्री एच पॉजिटिव पीओ फोर थ्री नेगेटिव तो इसकी आप निकालोगे वो रहेगी जीरो पॉइंट वन एट मोलर तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो सबका तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका जिसके साथ मैच कर रही है सोल्यूशन की आइनिक स्ट्रेंथ वो है जीरो पॉइंट वन टू मोलर Na2SO4 ए टू तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है हमने खत्म कर लिया जैसे कि मैंने बोला था चार वीडियोस डालूंगी तो मैंने चार वीडियोस डाल दिए ट्वेंटी क्वेश्चन करके तो आप देख सकते हो ये तो इसको मैं आज अपलोड कर दूंगी इसके बाद इसरो के जो भी साइंटिफिक असिस्टेंट के या साइंटिफिक इंजीनियर के कोई भी जो क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं केमिस्ट्री कंटेंट है जिनका वो मैं सॉल्व करवा दूंगी इसी चैनल के ऊपर और अगर आपको कुछ भी समझ आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो वो, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता हो आप अक्सर ही भूल भी जाते हो और अगर कोई भी डाउट है कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया करो हम डिस्कस कर लेंगे ओके okay, अपनी प्रैक्टिस करो थैंक यू